आपकी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की, उसमें हम लोगों ने बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेस एमिटर और कलेक्टर, इसमें डोपिंग का लेवल, साइज, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन के अलावा इसकी वर्किंग कैसे होती है, और वेरियस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमिटर और कॉमन बेस, ये देखा, ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन देखी, और कैसे हमने बताया आपको कि बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, ये देखा। इसके वेरियस मोड्स होते हैं, फॉरवर्ड एक्टिव मोड, सेचुरेशन मोड और कट ऑफ मोड। मैंने ये बात जो आपको बताई कि आपका बेस एमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए और कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस होना चाहिए, ये एक्टिव मोड के लिए। वहीं अगर दोनों फॉरवर्ड बायस हैं, यानी बेस एमिटर जंक्शन और कलेक्टर बेस जंक्शन, तो ये सैचुरेशन मोड होगा, और अगर दोनों जो हैं रिवर्स बायस में है तो ये कट ऑफ मोड। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। आज हम अर्ली इफेक्ट के बारे में जानेंगे। अर्ली इफेक्ट क्या होता है? कि अर्ली इफेक्ट जो होता है उसके विषय में जानेंगे, अर्ली इफेक्ट के बारे में। अर्ली इफेक्ट जो होता है वो बेस विड्थ मॉड्यूलेशन की, जो बेस होता है वो अगर बहुत नैरो साइज का है, तो जो हमारा एमीटर से मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी चार्ज के कलेक्टर में डिफ्यूज हो रहे उसमें बहुत जो थोड़े बहुत हैं वो बेस में डिफ्यूज हो जा रहे थे, उसी से आईबी करंट बन रही। अगर इसकी ये देखिए इफेक्टिव विड्थ और कम कर दें तो हम आईबी की वैल्यू और कम कर दें तो हमें उससे आईसी की वैल्यू और ज़्यादा मिलेगी। यही आपका अर्ली इफेक्ट होता है। इससे ये होता है कि आपका जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर है वो बेस रीजन में और कम डिफ्यूज होते हैं, इसी को हम अर्ली इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अब ट्रांजिस्टर में हम लोगों ने काफी कुछ देख लिया है। अब मैं स्क्रीन शेयरिंग पे लगा देता हूँ, अभी स्क्रीन शेयरिंग पे नहीं लगा। नेट थोड़ा स्लो है।
ये अल्फा और बीटा के विषय में आपको बता चुका हूँ। अल्फा भी करंट गेन है लेकिन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में, बीटा भी करंट गेन है मगर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। न्यूमेरिकल आप लास्ट सब पे लगा चुके हैं। ये वाला भी लगा लिया था आपने। देखिए जो मैं अभी बात कर रहा था, दिस इज वेरियस मोड्स ऑफ पीजेटी ऑपरेशन। अब अगर कलेक्टर बेस जंक्शन और बेस एमिटर जंक्शन दोनों रिवर्स बायस में है तो हमारा मोड ऑफ ऑपरेशन कट ऑफ होगा। अगर कलेक्टर बेस फॉरवर्ड में हो गया और बेस एमिटर जंक्शन रिवर्स में होगा तो ये हमारा इन्वर्टेड मोड है। वहीं पर अगर कलेक्टर बेस जंक्शन कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस व्हाइल बेस एमिटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस देन द मोड ऑफ ऑपरेशन इज एक्टिव। एंड इफ बोथ कलेक्टर बेस जंक्शन एंड द बेस एमिटर जंक्शन बोथ आर इन फॉरवर्ड बायस देन द मोड ऑफ ऑपरेशन ऑफ आवर ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन। ओके सो लेट अस see these various modes where we can utilize the things. Right now the collector characteristic curve means it is the curve between output current and the output voltage, or you can say it is the graph between IC versus VC. Okay, let us suppose this is a NPN transistor. Okay, this is VBB, this is provided so that our transistor base emitter junction is in forward bias. VCC is provided so that our collector base junction is in reverse bias. Okay, this is a curve between the collector current IC and VC, and look at that, this is cutoff region below IB is equal to 0. This is your cutoff region, and between IB is equal to 0 to this is your active region. And above active region there is a saturation region, and below the active region and above the active region, these two points is known as your breakdown points. All right, so this is the curve. So for the proper mode of operation of transistor, you have to maintain your transistor in active region. For that you have to do the biasing of transistor. And how you do the biasing of transistor, for that you have to give a proper DC supply that is known as your VBB in your base emitter junction, and for maintaining the collector base junction reverse bias you have to give your DC battery VCC, which forces your collector base junction collector emitter junction is in reverse bias. In electronic industry, as we know that the diode is used as a switching device, while your transistor, high protection transistor, is used as a switching element as well as a amplifier. Basically we use transistor as an amplifier, because for switching purpose we use simply diode,
एक्चुअली राइट नाउ दीज डेज ट्रांजिस्टर इज ऑब्सोल्यूट, दे रिप्लेस्ड बाय फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फैट फैट जे फैट मॉसफेट फिन फैट, दीज आर द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फैट एंड ऑल दैट इज कम्स फ्रॉम द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इज दैट दे आर वेरी नॉइजी एंड एंड फैट आर वेरी लेस नॉइजी. These are the two basic differences between BJT and FET. Apart from this, BJT is your current control device, while your FET is a voltage control device. Your next unit or next topic is your FET. That is your fourth unit. That is your field effect of transistor. We go to the further where we compare BJT and FET in detail. So. In BJT, let's move to our next section. This is various IV. IV is equal to 50 microampere, 100 microampere, 150 microampere, 200 microampere. Okay. You find that the change in VC is not so rapid. Okay, this is the characteristic of transistor. Let us suppose solve this question. Sketch an ideal family of collector curves for the circuit in figure 4.15, where IB is equal to your 5 microampere to 25 microampere. In 5 microampere increments, assume beta DC is your 100 and that VC does not exceed breakdown. Up, let us solve this question. You have to give the range of IB and beta. The relation between IB and IC is IC is equal to beta times of IB. Yes, look at that. Using the relationship IC is equal to beta DC times IB, you get 100 times of IB. It means that which IB, let's suppose your IB is your 5 microampere, then your IC would become 0.5 milliampere. While if your IB is 10 microampere, then your IC will become 1 milliampere. Okay? From where? It comes from the relation IC is equal to beta times IB. And this is the graph. Now above section we have discussed about the active region where your base emitter junction is in forward bias while your collector base junction is in reverse bias. Now we are talking about cutoff region. What is cutoff? Look at that. When IV is equal to zero, the transistor is in the cutoff region of its operation, means below the active region. Okay, this is shown with the base lead open, resulting in a base current of zero. You have to recall these things. When base current is zero, your transistor is in cutoff mode. Okay, under this condition, there is a very small collector leakage current due to the minority charge of carrier. This is unwanted current. That's why we didn't. Not prefer the bipolar junction transistor. As its name bipolar junction transistor, it means that it conducts the currents by both constituents, means
majority of charge carrier as well as minority charge of carriers. Both elements are responsible for conducting the currents. While in the case of FET, the only one thing is responsible, and that is the voltage control device. There is no, and this is BJT is a current control device. That's why it is more noisy in comparison to the field effect of transistor. So, in cutoff region, you have to recall these things. Major important thing is that your IB is zero. Okay. All right. And now we are talking about the saturation. What is saturation? I have told you earlier, when saturation mode comes, when the base emitter junction is becomes forward biased, as well as the base current, emitter collector junction is also is in forward bias, then your mode of operation in BJT is known as saturation. Okay, then your mode of operation is known as saturation. All right, and this is the just a minute. Upar samaj mein jankari bhi aata hai ki Yes, am I audible? Yes, sir. Vaibhav? Yes, sir. Vaibhav, beta, samajh mein aa raha? Yes, sir. Kya samajh mein aaya itni der mein? Angrezi zyada to nahi bol di, hain? Nahi, nahi, sir. Achha, achha. Humne kaha yaar thoda technical style mein padha, hai na? So, saturation. सैचुरेशन में क्या होगा बेटा, दोनों बेटा जो होंगे आपके एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। सैचुरेशन में क्या होगा, व्हेन द बेस एमिटर जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड द बेस करंट इज इंक्रीज, द कलेक्टर का करंट आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि आईसी इज इक्वल टू बीटा एबी होता है, एंड वीसीई डिक्रीजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोर ड्रॉप अक्रॉस द कलेक्टर रजिस्टर। इसके अक्रॉस क्या होगा, और ज्यादा ड्रॉप होगा अगर आईसी बढ़ेगी, क्योंकि वीसीई क्या होता है, वीसीसी माइनस आईसीआरसी, ठीक है। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन फिगर, व्हेन वीसीई रीचेस इट्स सैचुरेशन वैल्यू, ठीक है, एक लिमिट से ज्यादा तो कम होगा नहीं, क्योंकि वो कब होगा, जब आईसी अपनी सैचुरेशन पे पहुंचेगी, ये बात भी सही है। The base collector junction becomes forward bias and IC can increase no further. जब आपका IC increase नहीं कर पाएगा, with a continued increase in IB, मतलब IB को आप जितना बढ़ा दो, लेकिन IC फिर एक limit के बाद नहीं बढ़ेगी, और VC भी attain कर लेगा अपनी saturation level. VC saturation is usually 0.2 or 0.3 volt for silicon transistor. इसीलिए देखा होगा शुरुआत में ही यहाँ पे बहुत जैसे बढ़ाते हैं, ये देखिए, ये ठीक है, ये ऐसे बढ़ता है फिर कांस्टेंट हो जाता है। देखो वीसी तुम बढ़ाओगे वोल्टेज, मतलब कांस्टेंट है ये, मतलब जो है ना,
ठीक है, ठीक है। अब ये तो कट ऑफ की बात होगी, कट ऑफ जो ये ऐसे रहता है कि आपका ओपन है यहाँ पर बी आई सी ई ओ, इसको कलेक्ट बोलते हैं कलेक्टर एमिटर व्हेन बेस इज ओपन। ये बेस आपका ओपन है और ये आपकी रिवर्स करंट होती है, ठीक है, उस बात को ध्यान रखना। माइनॉरिटी चार्ज ऑफ कैरियर की वजह से आई सी ई ओ। सेचुरेशन में क्या हो रहा, सेचुरेशन में बी सी अपनी मैक्सिमम इस पर पहुँच गया है और ये इसका सर्किट डायग्राम आपने इसको भी दे रखा है और इसको भी दे रखा है। ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। फिलहाल तो ये देखो इसकी जो हमने बैटरी, ये एन पी एन, ये पॉजिटिव है, यानी एन सीधा पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो ये है, इसको फिलहाल रिवर्स बायस में दिया गया है, लेकिन एक लिमिट के बाद ये जो है ये गड़बड़ है, ये इसको जो है बैटरी उसकी उल्टी लगानी चाहिए थी, अगर तभी ये सैचुरेशन रीजन पे जाता, ठीक है। ये डीसी लोड लाइन एनालिसिस अब हम देखते हैं क्या, यही आपकी डीसी लोड लाइन एनालिसिस है। ये देखिए ये आईसी और वीसीई के बीच में कर्व खींचा जाता है, यहां पर आईसी इज इक्वल टू जीरो है, वो पॉइंट वीसीसी होगा और इस पॉइंट पर यहां पर क्या होगा आपका वीसीई जीरो होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और यही डीसी लोड लाइन है, तो आपका जो क्यू पॉइंट होता है ये एक्टिव रीजन है, हम अपने ट्रांजिस्टर की कोशिश करते हैं कि वो एक्टिव रीजन में रहे, इसीलिए हम डीसी लोड लाइन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अभी एक सवाल है, इसकी डीसी लोड लाइन एनालिसिस करनी है, ये एक ट्रांजिस्टर है, इसकी ये वीबीबी 3 वोल्ट है, ये वीसीसी 10 वोल्ट है, आरसी इसमें 1 किलो ओम का लगा हुआ है, आरबी इसमें 10 किलो ओम का लगा हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, वीसीई निकालेंगे और आईबी निकालेंगे, ठीक है। ये देखिए पहले हम आईसी सैचुरेशन निकाल लें, वो क्या होगा वीसीसी माइनस वीसी अपॉन आरसी। अब वीसीई सैचुरेशन 0.2 वोल्ट होता है, तो 10 माइनस 0.2 अपॉन 1 किलो ओम किया, तो उससे आ गया आपका 9.8 मिली एम्पियर, ठीक है। देखिए वीसी सैचुरेशन 0.2, इसको ध्यान रखना, वीसी सैचुरेशन 0.2 वोल्ट लिया गया है। अब क्या निकालना है, आईबी निकालना है, ठीक है। आईबी होगा आपका वीबीबी माइनस वीबीई, वीबीई वही होता है 0.7 वोल्ट, जो कि हमने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा था, ठीक है। तो इससे जो है हमारी निकल आएगी आईबी, आईबी निकली 0.23 मिली एम्पियर, ओके। आईसी इज इक्वल टू बीटा टाइम्स, अगर हम आईपी कर आईबी करते हैं तो आ रही है आपकी 11.5 मिली एम्पियर। तो अब 11.5 एम्पियर आईसी की जो वैल्यू है वो आईसी सैचुरेशन से ज्यादा है, इट मींस आपका ट्रांजिस्टर जो है वो किस मोड पे काम कर रहा है, वो ट्रांजिस्टर आपका सैचुरेशन मोड पे काम कर रहा है। वहीं अगर इस आईसी की वैल्यू आपकी 9.8 से कम आती या इसके बराबर आती, तब आप कहते हैं कि आपका ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में काम कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन वेदर और नॉट ट्रांजिस्टर इज इन सैचुरेशन, अज्यूम वी सैचुरेशन 0.2 वोल्ट। इसमें फिर वही करना है, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, आप लगा सकते हैं, बिल्कुल डिट्टो वही प्रॉब्लम है। इसमें आर ई इज इक्वल टू 1 किलो ओम और ऐड कर दिया है, बस कितना ध्यान रखा है, क्या किया है आर ई यहाँ पर 1 किलो ओम और ऐड कर दिया है और आर सी की वैल्यू बढ़ा दी है, लेट अस सी व्हाट हैपेंड। अब यहाँ पर क्या होगा, वी सी सी बराबर होगा, देखिए आई सी आर सी प्लस वी सी ई प्लस आई ई आर ई, यहाँ से आप निकालेंगे वैल्यू, तो आई सी आर सी प्लस वी सी प्लस आई की वैल्यू होगी आई सी अपॉन अल्फा डी सी,
अल्फा डीसी क्यों होगी? क्योंकि आईसी बराबर अल्फा आईई होता है, ठीक है। ये कॉमन एमिटर को है तो यहां बीटा निकालना पड़ेगा, आईसी इज इक्वल टू बीटा आईबी भी होता है। अब आई आर ई हमने ये क्या किया, एक बाइसिंग और बढ़ा दी है इससे, ओके। अल्फा और बीटा रिलेशन होता है, ध्यान रखना, अल्फा इज इक्वल टू होता है बीटा अपॉन वन प्लस बीटा। इससे हमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, बीटा आपका 50 दिया हुआ था, ठीक है। तो अब इस वैल्यू को पुट कर दिया यहाँ पर, बीसीसी बराबर कितना, इससे हम निकाल रहे हैं आईसी की वैल्यू, ठीक है। आईसी सैचुरेशन की वैल्यू निकाल ली, वो हमारी आ गई 4.8 मिली एम्पियर। अब हम अपनी ओरिजिनल आईसी की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हमें आईबी की वैल्यू चाहिए होगी। तो वीबी भी बराबर होगा आईबीआरबी प्लस वीबी प्लस आईईआरई, ओके। तो आईबीआरबी प्लस 0.7, वीबी 0.7 होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा हमेशा। आई इंटू आरई, आई बराबर क्या है 50 आईबी बी ले लिया इन्होंने, ठीक है। उसको किया तो 0.038 एम्पियर आ, मिली एम्पियर आ। अब इस आईसी का मल्टीप्लाई किया इन्होंने 50 से, तो दैट इज 1.9 मिली एम्पियर। अब ये वैल्यू आई आपकी, आईसी की वैल्यू आईसी सैचुरेशन से कम है, इट मींस आपका जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव मोड पे काम, ठीक है। अब यहां पर क्यू पॉइंट फाइंड करना है। क्यू पॉइंट क्या होता है, जो आपका टीसी लोड एनालिसिस होता है उसमें आईसी और बीसी की वैल्यू फाइंड करना, उसी को हम क्यू पॉइंट बोलते हैं। तो इस सवाल में हमें वीबीबी जो है वीसीसी 10 वोल्ट दिया हुआ है, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है। आरबी की वैल्यू 20 किलो ओम कर दी गई है और वीबी की, वीबीबी की वैल्यू नहीं दी है क्या? हाँ जी, नहीं ऊपर दी हुई। वीबीबी की वैल्यू 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट अगर ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, एंड द कंस्ट्रक्ट डीसी लोड लाइन फॉर द ट्रांजिस्टर, ठीक है। क्यू पॉइंट मतलब हमें कोई आईसी और वीसीई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो और किसके किसके लिए, 1 वोल्ट 2 वोल्ट और 3 वोल्ट के लिए, ये देखो वेरिएबल लगा रखा। तो हम वही करेंगे कि अपनी एनालिसिस करेंगे, यहाँ पर देखिए एमीटर नीचे यहाँ पर नहीं लगा रखा है, तो अब हम एनालिसिस करेंगे, आईसी निकालेंगे और आईबी निकालेंगे, ओके। सबसे पहले आईबी निकाला, तो आईबी कम्स VBB माइनस VBE अपॉन RB, और IC बराबर होगा आपका बीटा टाइम्स IB, और VCE होगा VCC माइनस ICRC। इफ VBB इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन आपका IB होगा वो 0.015 एम्पियर आएगा, 0.015 एम्पियर। उससे जब IC निकालेंगे तो 0.7 मिली एम्पियर आ जाएगा, और VCE निकालेंगे VCC माइनस ICRC कर देंगे, उससे 9.25 आ जाएगा। अब Q1 जो होगा एट VCE बराबर, VCE बराबर 9.25 वोल्ट और IC, मतलब आपको वही VCE और IC की वैल्यू निकालनी है, वही आपका Q1, ठीक है। VCE की वैल्यू और IC की वैल्यू, इसी तरह आप 2 वोल्ट की निकालेंगे और इसी तरह 3 वोल्ट की निकालेंगे, ठीक है। ये तीन चीजें हैं, ये इसी पे सवाल है और लगाइएगा, ये आपका पड़ा हुआ है, इस पे सारे सवाल लगा दिएगा। अब ट्रांजिस्टर एज ए स्विच कब काम करेगा और ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर कब काम करेगा, ये चीज हमें देखनी है। इसमें भी आप पढ़ा होगा, हम देख लेते हैं ट्रांजिस्टर, दो चीजें देखनी, ट्रांजिस्टर एज ए स्विच एंड ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। उसके बाद इसमें केवल एक टॉपिक बचेगा, दैट इज यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, यूजेटी।
सारे सवाल आप लगाइएगा। ट्रांजिस्टर एज ए स्विच, द बेसिक ऑपरेशन एज ए स्विचिंग डिवाइस जो है वो 4.24 फिगर में दिया हुआ है, 4.24 फिगर। तो ये देखिए स्विच कब होगा, जब एक बार सर्किट क्लोज हो और ओपन हो, यानी ऑन कंडीशन और ऑफ कंडीशन, तब आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच काम करेगा। तो ओपन स्विच कब होगा, जब आपका बेस आईडी इज इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, कट ऑफ रीजन में रहेगा, तब आपका जो है ये ट्रांजिस्टर ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आईबी जीरो वोल्ट दिया हुआ, आपने कोई बायसिंग नहीं करी, तो आईबी जीरो होगी, तो ये आपका कट ऑफ की तरह बिहेव करेगा और ये उसका सर्किट, ये मतलब एक सिंबॉलिक सर्किट बना हुआ कि ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर। वहीं पर आपका क्या हुआ, जब आपने इसकी बायसिंग कर दी, आईसी सैचुरेशन हो रही है, आईबी करंट फ्लो हो रही है और ये आपका क्लोज्ड स्विच की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इसी, ये ट्रांजिस्टर ऐसे ही आपका स्विच की तरह बिहेव करता है, ऑन ऑफ ऑन ऑफ। कट ऑफ मोड में है यानी ओपन स्विच है, और ये जब एक्टिव मोड या सैचुरेशन मोड में रहेगा तो वो करंट को आईसी को कंडक्ट करेगा तो वो ऑन हो जाएगा। इस तरह आपका ट्रांजिस्टर एज ए स्विच वर्क कर सकता है, ओके। ठीक है, आवाज के इतना हो गया, केवल यूजेटी इसमें बचा हुआ है, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। उससे पहले मैं ट्रांजिस्टर एज ए एम्पलीफायर आपको नेक्स्ट संडे और बताऊंगा। तो नेक्स्ट संडे आपका ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर हम देखेंगे और यूजेटी। बाकी आप लोगों को इसमें इस पीडीएफ में मैंने जितने सवाल इसमें हैं वो सारे सवाल आपको लगाएंगे, और फिर हम लोग ठीक है नेक्स्ट संडे मिलते हैं सैटरडे को, और आप लोग चैट बॉक्स में जो है वो लगा दीजिए। थैंक यू क्लास।